नेक्स्ट वर्कशीट 85, कॉम्पिटेंस ये राइट सेंटेंसेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस और इवेंट्स और एक्सपीरियंस्ड। आपको जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं आपको और घटनाओं के बारे में। डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं उन पर डिस्कस कीजिए विद योर पीयर्स एंड टीचर। आपके दो पीयर्स क्या होते हैं, दोस्त है, फ्रेंड है उनसे, जो क्लासमेट है उनसे, अध्यापक से, इन क्लास क्लास में, एंड राइट आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस। वो नीचे जो स्पेस दिया गया उसमें उसमें आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे पहला ऑप्शन इसने बनाया, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, अराउंड चारों तरफ, व्हेन, जब यू कम टू स्कूल, तुम विद्यालय आते हो, तो आप लिखोगे व्हेन, यू चेंज करोगे आई में, आई कम टू स्कूल, जब मैं विद्यालय आता हूँ, आई, फिर ये यू चेंज करोगे आई में, आई सी, मैं देखता हूँ अराउंड चारों तरफ। अब जो भी आप चीजें देखते हो विद्यालय जाते हुए, इतना यहाँ ऐसा लिखना है आपको प्रश्न से ही, व्हेन यू चेंज करना आई में, कम टू स्कूल, फिर आई डू उड़ जाएगा, सी अराउंड चारों तरफ, यहाँ पर जो भी चीजें देखते हो वो आपको लिख दो कोमा लगा लगा के। जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट क्या काम करते हैं अभी, हु आर गोइंग टू स्कूल, वो विद्यालय जा रहे होते हैं। एनिमल्स देखते हैं, आप ये चीजें लिखो आगे हु लगा के तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, ये चीजें लिख सकते हो। एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं, विच आर सिटिंग इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में बैठे हुए होते हैं। एंड व्हीकल्स, हम वाहन देखते हैं, विच आर रनिंग ऑन द रोड, जो सड़क पर दौड़ रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म या फील्ड, जब आप खेत में जाते हो तो चारों तरफ क्या चीजें देखते हो, भी वही लिखोगे व्हेन का व्हेन लिखेंगे, यू चेंज होगा आई में, गो का गो, टू का टू, फार्म का फार्म, या यहाँ फील्ड लिख सकते हो, यू चेंज हो जाएगा आई में, सी देखता हूँ अराउंड चारों तरफ, मेनी ट्रीज, बहुत से पेड़, ग्रीन ग्रास, हरी घास, फील्ड मैदान, हरी घास के मैदान, एंड मेनी बर्ड्स, बहुत से पक्षी फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ रहे होते हैं, एंड एनिमल्स, वो जानवर ग्रेजिंग इन द फार्म, खेतों में घास चर रहे होते हैं, और जो भी चीज़ें देखते हो आप वर्णन दे सकते हो। आप नाम लिखोगे, कोमा लगाओगे, आगे लिखते जाओगे। थर्ड क्वेश्चन इससे क्या बन रहा है अभी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो टू अराउंड सिटी और मार्केट, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं। जब आप शहर में जाते हो तो क्या देखते हो, व्हेन आई गो अराउंड सिटी, शहर में जाते हैं, आई सी, मैं देखता हूँ, क्या देखते हो अभी, अब पूछा तो ये प्रश्न है कि तुम क्या देखते हो, आप फिर बताओगे मैं देखता हूँ, आई सी मैनी शॉप्स, मैं बहुत सी दुकानें देखता हूँ, एंड मैनी व्हीकल्स, बहुत से व्हीकल देखते हैं वहाँ पर, एंड पीपल, लोग देख रहे हैं, हु आर गोइंग हेयर एंड देयर, जो इधर उधर जा रहे होते हैं, एंड मैनी स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग क्या होते हैं, अभी गली के कुत्ते होते हैं ना, आवारा कुत्ते देखते हैं हम वहाँ पर, अब यहाँ डॉग्स, एनिमल्स लगा सकते हो, हम एनिमल्स देखते हैं वहाँ पर, जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देती है आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड ए फेयर, जब आप मेले में जाते हो तब क्या देखते हो अभी, व्हेन आई गो अराउंड ए फेयर, आई सी, मैं देखता हूँ मैनी शॉप्स, बहुत सी दुकानें, एंड स्टॉल्स, छोटे छोटे लगे हुए दुकानें, देर वहाँ पर, ए ग्रेट रश ऑफ पीपल, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़, एंड मैनी मेरी गो राउंड, बहुत से झूले देखते हैं वहाँ पर हम, एंड सर्कस देखते हैं, एंड टॉयज, खिलौने देखते हैं। जो भी आप मेले में चीज़ें देखते हो वो आप लिख सकते हो, व्हीकल होते हैं बहुत ज़्यादा, लोग होते हैं, लड़के लड़कियाँ होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, आप यहाँ पर लिख सकते हो, टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक